हेलो दोस्तों, तो आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं इस बॉक्स का और चलिए देख लेते हैं इस बॉक्स में हमको क्या मिल जाता है। तो चलिए इसका जो है मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। इसको जो है हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो इसको जो है दोस्तों मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। क्या है उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसको ओपन करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बॉक्स में हमको मिला है बोया, बोया का माइक है। बॉक्स को रखते हैं साइड में, तो इसको भी फटाक से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे पैकेज आ जाता है इसमें। तो इसका कवर दोस्तों इसको भी साइड में करते हैं। तो दोस्तों ये है बोया का बाय M1 माइक, देख सकते हैं आप। इसका बॉक्स जो है ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों। यहाँ पे इसका बारकोड आपको देखने को मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट नकली है या ओरिजिनल है, ये जो है आपको इससे देखने को पता चल जाएगा। इसको आप जो है इसका वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको करना है तो कर लीजिए दोस्तों, मैं जो है बाद में करूंगा। यहाँ पे इसका कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, इसमें फीचर्स मिल जाता है दोस्तों। क्लिप ऑन माइक है जो कि यहाँ पे लगाने के लिए क्लिप रहेगा। इसमें DSLR कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर PC जो भी है इसमें ये वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों इसको भी अब ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इसको ओपन कर लेता हूं मैं। दोस्तों ये ऐसा एक पाउच मिल जाता है बोया का, जिसमें बोया लिखा हुआ आ जाता है, बोया का ब्रांडिंग। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और दोस्तों इसमें जो है हमको मिलता है ये बोया का डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों इसमें जो है इसको कैसे यूज करना है आपको जो है इसमें पूरा बताया गया है। तो आपको माइक यूजिंग द माइक्रोफोन टिप्स एंड नोट्स, दोस्तों इसको आप जो है केयरफुली रीड कर लेना। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। ये इसका रहा बॉक्स। अब आते हैं हम जो है इसमें, ये बोया का ऐसा एक हमको पाउच देखने को मिलता है इस बॉक्स के अंदर, वो भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर में क्या क्या हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इसका पाउच। पाउच को मैं ऐसे बगल में रख देता हूँ। इसमें ऐसा एक पॉलीथीन मिल जाएगा दोस्तों। ये पॉलीथीन के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें एक सेल है जो कि इसमें माइक में लगेगा, ये सेल आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ऐसा एक फोम आएगा जो कि माइक में लगेगा, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा, देख सकते हैं आप। और एक ये आ जाएगा लीड जैक पिन आ जाएगा, और ये कलर माइक के लिए जो है क्लिप आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसको मैं रखता हूँ साइड पे। यहाँ पे दोस्तों इसका जो इसको पैक करने के लिए जो ये रबड़ आता है, इसमें जो है बोया का ब्रांडिंग मिल जाएगा हमको। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ऐसा रहेगा ये। और साथ ही ये इसका जो है दोस्तों ये ऐसा रहेगा। यहाँ पे दोस्तों देखने पे मिलता है, यहाँ पे ये जो कंडेंसर है यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा जो कि कैमरा और जो है स्मार्टफोन के लिए स्विच करना पड़ता है। अगर कैमरा में करना है तो कैमरा, और स्मार्टफोन में यूज करना है तो स्मार्टफोन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों साथ ही अभी मैं इसको कैमरा में नहीं करने वाला हूँ, स्मार्टफोन में करना हो तो इसको मैं स्मार्टफोन कर लेता हूँ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसको हमको ओपन करना है, इसको रोल करना है। रोल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे हम। तो ये ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें जो है साथ ही इसी में मिल जाता है ये इसका एक सेल। तो ये रहा सेल, आप देख सकते हो। इसको जो है मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसमें प्लस माइनस आप लोग जो है देख लेना। और ये रहा, इसको जो है मैंने इसमें इनपुट कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसको करना है फिल। इसको मैं रोल करके फिर इसको वापस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको बोया का ब्रांडिंग मिल जाता है। और ये रहा दोस्तों बोया का माइक। तो बोया के माइक में इसको चलिए इसमें मैं जो है इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया। और साथ ही इसमें ये हो गया, साथ ही इसमें हमको मिल जाता है दोस्तों ये जो है क्लिप। तो क्लिप को इसमें ऐसे इंसर्ट कर देना है। और ये जो है माइक।
दोस्तों देख सकते हैं ये काफी लंबा है, करीब 20 फीट दोस्तों, ये 6 मीटर के आसपास आता है, काफी लंबा है और ये हर एक यूट्यूबर के पास होता है दोस्तों। ये जो माइक है बोया M1 जो अभी जो है काफी सारे यूट्यूबर जो है इसका यूज करते हैं अपने वीडियो बनाने में। तो इसको कैसे ये दोस्तों यहाँ पे आपको इसको कलर में आप कहीं भी इसको एडजस्ट करके यहाँ पे ऐसे क्लिप से लगा सकते हैं, क्लिप के मदद से। तो दोस्तों ये काफी अच्छा है और इसको जो है ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है इसका जो है यूज नहीं होता है। इसको दोस्तों यूज करने के लिए मोबाइल में जो है क्या है आपको कि आपको जो है ओपन कैमरा एक सॉफ्टवेयर आता है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको जो उसके सेटिंग में जाना है और माइक सेटिंग में जो है एक्सटर्नल माइक को सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद दोस्तों इसको जो है इनपुट कर देना और इनपुट करने के बाद जो है इसकी जो है नाइस क्वालिटी है जो दोस्तों नाइस कंसलेशन है इसमें तो काफी अच्छा वर्क करता है। इसको जो है आप आपको पता होगा और आप इसको लेना चाहें दोस्तों तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर